नहीं आपको दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत हो जाएगा ना, 1000 रुपए का चलान होता है। यहाँ रखो पहले पैर, वन साइड बैठ जी, या फिर हो गया ना, बैठने के बाद कंफर्टेबल है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख के पहचान लिया कि आज की जो वीडियो है पूरे दिन की अर्निंग होने वाली है, सुबह 11:30-12 से लेकर रात को 12-1 बजे जितने भी हो सकता है मैक्सिमम उतना चलाऊंगा, 12 घंटा 13 घंटा जो भी। तो एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी अर्निंग्स बताऊंगा, वैसे तो आप लोग लाइव में काउंटिंग करते रहना, ठीक है। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं राइड। मैं घर से निकला, अभी मीटर पर देखो 9184 हो रहा है, मैं एक राइड ले लिया हूँ ओला में, 80 पे निकला था और जो फर्स्ट राइड थी वो बहुत ही शॉर्ट थी। अब ये दूसरे पिकअप के लिए जा रहा हूँ, करना है एंट्री दोस्तों। ये रैपिडो में राइड आई हुई है, रेशु करके कुछ कस्टमर का नाम है, बहुत ही पास है। अरे यार इधर से भी बंद है। तो कभी कभी ऐसे ही होता है, थोड़ा सा जगह होगा और रास्ता बंद, फिर घूम के जाओ। अराइव। हेलो, हाँ मैम, लोकेशन पे आ गया हूँ। हाँ आ गया, आ जाओ। आप हैं? आप हैं मैम? जाने दो हेलमेट को। पास में ही है क्या? हाँ, 121 तो जाना है। वो दे दीजिए ओटीपी। 4-6 हाथ में रख लीजिए इसको। हाँ, चलिए मैं रख लेता हूँ। हाँ इधर पैर रख लीजिए पहले, बैठने के बाद कंफर्टेबल है। वन साइड बैठ जी, या फिर पकड़ो अपना हेलमेट। हाँ दीजिए। हो गया ना? हाँ, अब आप बताओ कैसा लग रहा है, कंफर्ट है कि नहीं है? हाँ। लीजिए, थोड़ी हाइट है बस, एक बार बैठ गए तो बहुत कंफर्टेबल है। मैम यहाँ पे ना हेलमेट लगा लेना, वहाँ चेकिंग चल रही है, यहाँ से लगा ले जो, वहाँ नहीं तो रोक लेंगे पुलिस वाले। यहाँ पे कोने में चलती रहती है ना। नहीं आपको दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत हो जाएगा ना, 1000 रुपए का चलान होता है। यार कस्टमर को कैसे समझाऊं, रास्ता तो नहीं है आगे से, क्या करूं? पैदल जाएंगे आप? हा? कैसे जाऊं? आगे से रास्ता नहीं है। आगे से 3 किलोमीटर दिखा रहा है मोड़। कितनी दूर है अंदर? चलो ले लेता हूँ, चलो यहीं से ले लेते हैं, आप कहती हैं तो। सामने कितने चलिए तू, कितने चलिए, आराम से उतरना। यहाँ रखो पहले पैर, हम 2.5 साल से तो हम यही चला रहे हैं, आराम से उतर जाओ। हाँ 34 34 रुपये। खुले है ना? तो ये मेरे 4th राइड हो गई, मतलब एक ऑफ राइड ले गया था, ये वाले भैया गए मेरे साथ, क्या नाम है? जतिन। जतिन, तो ये जतिन है। गरीबों का हीरा। कह रहे भाई लोग हमारा भी फोटो ले लेना। हाँ तो अभी मेरी और टोटल ओवरऑल जो अर्निंग हो गई है दोस्तों, वो 315 रुपये हो गया 4 राइड, 2:31 हुआ है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। मजा आया। क्या क्या इनका काम है? ये इनका काम है, इनका ये जो देख रहे हो ना प्रिंटिंग वगैरह का, ये करते हैं ये काम।
बाकी आप एक्सपोर्ट मान लीजिए, एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट जो मैंने अभी ड्रॉप किया था ना बाइक को, आपने देखा होगा, उनको ड्रॉप करने के बाद मैं अभी आ गया हूँ गौर सिटी में, और करीब 4-5 किलोमीटर वहाँ से था, तो मैं सोचा शायद गौर सिटी साइड आ जाऊँ तो राइड मिल जाएगी। तो वो रही मेरी बाइक खड़ी है, और अभी टाइम हो रहा है 3:09, ये देखो 3:09, और रैपिडो में हुआ है 26 रुपये का काम, और ओला में आप देख रहे हो एक है, दो राइड लिए 135, तो जो दूसरी राइड थी मतलब वो वापस भी आए थे मेरे साथ, तो ऑलमोस्ट उसमें हो गई थी मेरी अर्निंग 150 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 315-320 रुपये हो गया अभी तक। हाँ देखते हैं रात तक कितना होता है आज। ये वाला मेरा इंटरकॉम है, आप लोग पूछते हो ना, ये V6 का है, V6। ये भैया एक हैं आगे खड़े, MH48, ये भी चला रहे हैं क्या? ओला ओवर चलाते क्या भैया? ओला ओवर जी सर। अरे आपका MH कोई दिक्कत तो नहीं, रिकॉर्ड कर लूँ तो क्या? कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत, मतलब हम भी चलाते हैं ना सर। हाँ मतलब ये आप मुंबई की गाड़ी है, ये महाराष्ट्र की, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। लोग कहते हैं कि दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं होती, हम भी चलाएं यार। बहुत से लोगों को मैंने बिहार की गाड़ी चलाते हुए देखा है नोएडा दिल्ली में, तो देखो जीते जागते एक भैया मिले यहाँ जो बता रहे कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये बात है। क्योंकि बाइक का जो होता है ना दोस्तों, वो 15 साल के लिए ऑलरेडी टैक्स कट के आता है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी चला सकते हो अगर आप खुद ऑनर हो तो। दिक्कत जब आती है भैया किसी और के नाम से होती है, तो आप ही के नाम से होगी, इन्हीं के नाम से, सब कुछ मेरे नाम से, कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रोकता, देख लो भाई ये बात है। देखो भैया ने दोस्तों बहुत मस्त चार्जर लगाया हुआ है, और शायद कितने एम्पियर का है ये? 2 एम्पियर का है, मस्त है। हम लोग तो वही जो आता है ना वैसा वाला केकड़ा, ये इसी में लगा हुआ है, आपके इसमें नहीं है ना? इसमें भी है डबल चार्जर, मतलब एक खराब हो तो दूसरा साथ दे क्या? चलो वो मेरी गाड़ी खड़ी है, और भैया का होंडा शाइन है MH48 AP, देख रहे हो महाराष्ट्र की गाड़ी है, यहाँ पे चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है तो ऐसा होता है। तो आप किसी की भी स्टेट की गाड़ी कहीं पे भी चला सकते हो दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है। तो लोकेशन पे तो आ गया हूँ कस्टमर का पार्सल लेके। तो दोस्तों जो दोपहर का टाइम गया ना, आपने तो 3:15 तक का वीडियो देख ही लिया, उसके बाद मेरा 2.5 से 3.5 घंटा लगभग जो है राइड आई नहीं, तो मैं काफ़ी देर वेट किया और वहीं आराम करता रहा, बाकी राइडरों से मिला, फ़ोटो वोटो शूट किया। तो आपको कंक्लूजन जो है वो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे मुझे लाइट दिखाया थोड़ा अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार देख लूँ क्या सस्ता है क्या है। भाई सही करते हो बेच रहे हो? तो दोस्तों अभी फिर ओला में राइड आ गई है मेरे पास, और मैं अभी हूँ गाज़ियाबाद में हूँ, रेलवे स्टेशन के आसपास से राइड है, और जो कस्टमर हैं वो मेरे घर के ही आसपास जाएंगे, मतलब जाएंगे वो 75 76 75 जाएंगे। तो ये बात हो गया, मज़ा आ गया। दोपहर का जो टाइम गया ना वो लेजी टाइम जिसे बोलते हैं, वही था बस सबसे बुरा टाइम। तो मैंने अभी LED आप वहाँ जो दुकान पर रोका था वहाँ 50 रुपये के एक ले लिया है, 20 या 22 वाट का बल्ब था वो ले लिया 50 रुपये का, तो LED चलती है तो चलती है, ख़राब होता है तो फट ख़राब हो जाती है। अबे भैया स्टेशन लेके जा रहे हो कि कहाँ लेके जा रहे हो, ये खड्डे वड्डे से पता नहीं। तो कभी कभी GPS हमें ऐसे ही घुमाता है, ऐसे जगह पे ले जाएगा ना वहाँ पे कोई रहता होगा ना कुछ, बट ये तो कोई बस मलिन बस्ती है। चलो भैया जल्दी से पहुँचो कस्टमर के पास। रैपिडो में भी राइड आ रही है देखो, उसको मैं बंद करने भूल गया था। आप लोग कहते हैं ना एक में राइड आई दूसरे में फिर क्या करते हो, तो यही करते हैं, स्किप हो गया स्किप। हाँ आप देखिए रात का टाइम है ना भैया, क्या दिखता है दूर से। हाँ आ जाओ, देख लिया। OTP बांध लो, सब बांध लो भैया, हवा ना घुसे बस। दोपहर का टाइम खराब गया, रात सही जाता है मेरा। मैं सोच रहा था आज 1:30 बजे तक चलाऊंगा, बट ये लास्ट राइड है। 14 किलोमीटर 24 मिनट दिखा रहा है दोस्तों। चलो 75 जाएंगे ये। आप कहीं से आ रहे हैं अभी? हाँ
स्टेशन उधर है यार, इधर भी है क्या स्टेशन? इधर भी उतारता है ना, दोनों तरफ होता है। अच्छा, आपका हेलमेट वेलमेट कैमरा वैमरा सब लगा है? हाँ, समझ गया। भी आपकी अच्छी है, एप्पल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। हाँ, आज आप पहली बार किसी ने मेरा ब्लड ग्रुप जो है पढ़ा है। हाँ, होंगे बट समझ नहीं पाते होंगे। एक लड़की पढ़ी थी, हाँ मुझे याद है, तो मतलब पढ़ी नहीं थी, उसने पूछा था कि क्या ये आपका ब्लड ग्रुप है, ऐसे बोली थी। तो आपने जैसे बोला ना कि ब्लड ग्रुप, जैसे हाँ कि आपको पता है कि यही ब्लड ग्रुप ही लिखते हैं ऐसा। अरे भाई, अगर आप राइडर हो ना, हाँ, तो सबसे जरूरी चीज़ यही है। हाँ, हर कोई अच्छी गाड़ी चलाता है। सही बात है, लेकिन अगर हम बताने की कंडीशन में नहीं है तो देर नहीं होनी चाहिए, है ना? सही बात है। हाँ, आपके सब यही है, चढ़ा दो तुम। हाँ, चढ़ाओ, यही है। माँ भी बेचारों को छुपाना पड़ता था कि मेरा बेटा ऐसा है। हाँ, माँ बाप बताने से डरते थे कि मेरा बेटा बोली मतलब घर से नहीं निकालते थे। अभी थोड़ा समाज जागरूक हो रहा है। हाँ, अब तो ऊपर से एजुकेशन, उनका भी जो एजुकेशन लेवल है थोड़ा बढ़ गया है भाई। ध्यान देना पड़ेगा ना पुनर्वास, सरकार यही तो करेगी ना, जब पुनर्वास करेगी उनको, उनको इस लायक बनाएगी कम से कम वो स्वयं का भरण पोषण तो कर सके। और क्या, अभी आगे मना कर दिया। 116 मोबाइल नंबर वो, हाँ उसी पे कर दीजिए। अच्छा, मैं QR देता हूँ। क्या हो गया, इन लोग क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? आप एवेंजर? अरे यार, तुम्हारा तो चैनल देखते हैं। आप भी एवेंजर राइडर हो? हाँ, चला लेते हैं। अरे वाह, हम भी तो एवेंजर ही हैं। हमारा भी एवेंजर ही था। तो हम यार वो देखते हैं। अच्छा, क्या हो रहा था बवाली है? अच्छा, गाजियाबाद से लेके आया हूँ अभी कस्टमर को यहीं पे। हाँ, मैं तो शाम को ही चलाता हूँ कभी कभी। अच्छा, चला लेता हूँ फिलहाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, भाई देखो ये भी एवेंजर चला रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं राकेश जी? कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहते हैं भैया शेयर मत करो हमारा वीडियो, इसलिए थोड़ा पूछ लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जैसे कि आपने देखा, अक्सर जो लेडीज़ पैसेंजर होती है वो ऐसे ही करती हैं कि हेलमेट पहनने से मना करती है, बट हम लोग फीमेल के चलते ना कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं, जैसे कि मना नहीं कर पाते कि मैडम नहीं ले जा सकता ये वो। बट आज से मैंने गांठ बांध लिया कि कोई भी फीमेल पिलियन हो चाहे मेल पिलियन हो, दोनों के लिए मैं स्ट्रिक्टली मना कर दूंगा अगर हेलमेट पहनने से मना करती हैं तो। और आपसे भी बोलूँगा कि आप भी ऐसे कुछ करो, क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ जाती है कि ना हेलमेट पहने। बट इसमें मैं चलान का उनको बोल रहा था कि चलान हो जाएगा ऐसा कुछ, लेकिन अक्सर दोस्तों चलान के लिए नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो लेने का देना पड़ जाता है। तो इसलिए हमेशा हेलमेट के लिए फोर्सली बोलो, मेरे अक्सर वीडियो में ऐसे ही होता है। और तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम आज की वीडियो की अर्निंग की। तो आज के पूरे दिन की दोस्तों जो अर्निंग हुई है मेरी मात्र 936 रुपये हुआ है। ऑलमोस्ट 11:30 घंटा में लॉगिन था। मैं जो रात को घर वापस आया हूँ वो 10:30-11 बजे करीब आया हूँ। हालांकि जो दो भाई मिले थे वहाँ पे, राकेश एवेंजर वाले और एक रेडियन में थे, उनका इंस्टाग्राम पे स्टोरी है, VSK डिलीवरी पार्टनर इंस्टा आईडी है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये थी आज की कमाई 936 रुपये मात्र। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इस पर काम नहीं कर सकते, तो दोपहर का जो टाइम होता है वो थोड़ा मतलब अवेलिंग टाइम रहता है, मतलब उस समय पे ना तो राइड आती है ना फिर आपके पास पार्सल आता है, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और जिस तरीके से आपको मैंने एक राइडर भाई से मिलाया था, MH48 मुंबई की बाइक वो चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि आप किसी भी स्टेट्स की बाइक को किसी भी स्टेट्स में चला सकते हैं। नॉट वो तो चला रहे ओला उबर, बाकी बाइक सर्विस में यूज़ कर रहे हैं आप, नॉर्मली भी चला सकते हो, बहुत लोगों की इसको लेकर क्वेरी रहती है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना। अच्छा लगा हो तो पहले लाइक कर देना। मिलते हैं कल किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।